बताए पंजाब के तमाम अजला में पुलिस, इंतजामिया, बिजली और गैस समेत तमाम महकमे हुकूमती अरकान असम्बली की निगरानी में दे दिए गए। अरकान असम्बली की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे मोइन अजहर से। मोइन, बताएगा डिटेल। जी, इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक जो पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है उनको जो है इजला के अंदर बाख्तियार कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जो पुलिस अफसर जो है डिस्ट्रिक्ट का और तमाम जो सूबाई महकमों के डिस्ट्रिक्ट अफसरान है वो उनके मतहत काम करेंगे, वो उनकी कारकर्दगी मॉनिटर कर सकेंगे, वो उन महकमों की कारकर्दगी तरक्याती कामों के हवाले से और उनके बारे में शिकायत का जो है अजाला कर सकेंगे। इस सिलसिले में जो है हर 15 दिन बाद इन कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा और जो है इजला के हवाले से जो तरक्याती प्रायोरिटीज हैं, जो जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी से शुरू किए जाएंगे। इस सिलसिले में जो लाहौर में जो है MNA राना मुबशर जो है उनको सरबरा बनाया गया, इसी तरह गुजरात के अंदर स्टोरी शाफी हुसैन को, हाफजाबाद में सारा अफजल तारर MNA को बनाया गया है। जंग में ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइन आपका।